सो यस, हाउ इज द जोश? अभी डल या नहीं? ठीक है, बढ़िया है, जोश अपना बढ़िया बना रहना चाहिए है। चलिए, जोश बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो यस, लेट्स स्टार्ट विद दी सीरीज। यहाँ पे क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। अच्छा, एक दिन ऐसे भी करेंगे, 10 टेस्ट हो जाते हैं, तो फिर इनके जो एक बार कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में जो डिटेलिंग करनी होगी ना, वो भी कर लेंगे। मतलब ये होता है कि खाली टेस्ट सीरीज कराई जा रहे हैं, तो कुछ उसका एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए ना। तो ऐसा हो जाएगा कि 60 टेस्ट के बाद एक 10 टेस्ट हो जाएंगे। 10 टेस्ट का मतलब हो गया आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए? 10 टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, आप बता दीजिए कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास? 500, है ना? 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 500 क्वेश्चन में से जो बेस्ट 50 क्वेश्चन होंगे ना, उनको मैं सिलेक्ट करके फिर आप, या ऐसे क्वेश्चन जिनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो होनी चाहिए, उनकी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो 10 टेस्ट के अगले दिन जो क्लास होगी, वो होगी आपकी रिवीजन टेस्ट की क्लास, है ना? तो उसमें आपको क्या करना होगा कि आपको पिछले जो 500 क्वेश्चंस हैं वो पूरे पूरे रिवाइज करके आने हैं, और जो क्वेश्चंस मैं सिलेक्ट करूंगी वो आप एक बार आराम से करिए, ठीक है? पेड बैच नहीं है, कहाँ पैसा देना पड़ रहा है आपको इस क्लास के आपको ना, इस क्लास के आने के लिए पैसा नहीं देना पड़ रहा ना, आपको सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा नेट खर्च करना पड़ रहा है। ये पेड बैच नहीं है भैया, ये फ्री सीरीज है, जो 50 GK टेस्ट सीरीज हम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे वैसी कोरोना की हालत खराब है, अब इसमें भी पेड बैच में लेके आऊं तो ये तो ज्यादती हो जाएगी मेरे स्टूडेंट्स के लिए, प्यारे स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए ठीक है, क्लास शुरू करते हैं, यहाँ पे चीजों को शुरू करते हैं। और डाटा और नेटवर्क फास्ट होना चाहिए। हाँ, नेटवर्क फास्ट नहीं होता है तो लोगों का रैंक इधर उधर हो जाता है, बस, बाकी तो कुछ नहीं है। चलिए, पहले से लेके सारे के सारे रिवाइज करिए यहाँ पे, है ना? सारे के सारे चीजें जो है वो अपना दिन भर आप ही के क्लास है। दिन भर कहाँ, मेरी दिन में, पूरे दिन में 5 क्लासेस है, दैट्स इट। अच्छा चलिए, हमारा टारगेट ना 41 मिनट्स का है। अब जिसको पंचायती करनी है ना मेरे साथ, वो एंड में करिएगा, ठीक है? आई लाइक यू टू, आई लव यू टू, एवरीबडी, आई जस्ट लव यू टू, एज अ स्टूडेंट तो बोल ही सकते हैं, एज अ फ्रेंड तो नहीं बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे जिसको मेरे साथ बातें करनी है वो एंड में आके आ जाइए, और जो है ना वो सारी की सारी क्लासेस आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ये तब तक है, अरे मेरी क्लासेस ये ज्यादा आपको तब तक दिखाई दे रही है जब तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन खुल गया ना तो मेरी क्लासेस फिर लिमिटेड हो जाएंगी। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी वी हैव डन 3 मिनट्स करके यहाँ पे, तो 3 मिनट के बाद फिर अपना काउंट डाउन शुरू हो जाता है। 41 मिनट में अपने को क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है? 41 मिनट्स में। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, एकदम चमकदार सफेदी जैसा है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स इज डबल्ड, देन द वेव लेंथ विल बी, अगर किसी भी तरंग की आवृत्ति दुगनी हो जाती है तो उसका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो क्या हो जाता है, बताइए? जूही शाह, पर्वत सिंह, शुभाजीत गोस्वामी, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे हाफ ऑफ द ओरिजिनल करके याद रखिए कि जब भी हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर देते हैं तो हमारी वेवलेंथ जो है वो आधी हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे के, ठीक है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे तो वेवलेंथ आधी हो जाएगी, वेवलेंथ को डबल करोगे तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आधी हो जाएगी। समझ गए इस बात को? जूही, बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन के ऊपर, द कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व पार्क विच वॉज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है, और इस राज्य को भारत में मिलाने के लिए भारत सरकार के द्वारा काफी ज्यादा जद्दोजहद, कहते हैं ना, करनी पड़ी थी, कयावत जिसे कहते हैं वो करनी पड़ी थी, तो ये वही स्टेट। तो कंचनजंगा यूनेस्को में इंक्लूड किया गया है, भारत के सबसे इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में इसको इंक्लूड भी किया जाता है। तो यस, सिक्किम जो है वो याद रखना है। सिक्किम की राजधानी क्या है यहाँ पे? गैंगटॉक करके याद रखना है आपको, गैंगटॉक, है ना? सिक्किम की राजधानी आपकी गैंगटॉक। अरविंद विद्यार्थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कैन बी यूज्ड एज द ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री मतलब कभी भी जैसे हमें खुशबू नहीं आ रही हो किसी भी चीज की, तो इस चीज को ना हम खुशबू के रूप में इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है, उसको टेस्ट करने के लिए डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट यहाँ पे किया जाता है। लोकेश 49% के साथ, वनीला जो है वो याद रखिए, आंवला क्यों, वनीला जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। वनीला की बहुत स्ट्रांग फ्लेवर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग खुशबू भी होती है। आइसक्रीम भी आप सुने होंगे तो वनीला की आइसक्रीम की अलग ही एकदम से खुशबू आती है ना।
रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दी एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड है। अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं, एंजियोस्पर्म्स को हम हिंदी में आवृतबीजी बोलते हैं, ठीक है। अगर आवृतबीजी के प्रजनन अंगों की बात करें तो आवृतबीजी के प्रजनन अंग जो है वो इनमें से इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कौन से पार्ट में, फ्लावर्स लिखेंगे यहाँ पे, एंजियोस्पर्म जो है उसमें फ्लावर जो होते हैं, तो उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, फ्लावर्स में। अच्छा, रिप्रोडक्टिव पार्ट किसकी हम बात कर रहे हैं, हम स्टेमन, पिस्टल, कार्पल इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टेमन या कार्पल की हम बात कर रहे हैं, तो वो बेसिकली कहाँ पे मौजूद होगा, वो फ्लावर के अंदर यहाँ पे मौजूद होगा, राइट। पूजा बिल्कुल करेक्ट आंसर। विच रिवर फ्लोज थ्रू सूरत, सूरत से गुजरती हुई कौन सी नदी, सूरत से होके कौन सी नदी गुजरती है, बताइए कौन सी नदी सूरत से होके बहती है, और उस नदी पे ये शहर जो है वो बसा भी हुआ है। तो आपको बोलेंगे कि भाई सूरत शहर कौन सी नदी पे बसा हुआ है, तो आप आंसर क्या करेंगे अरविंद, बिल्कुल करेक्ट आंसर, तापी नदी। याद रखिए तापी नदी पे अपना ये सूरत शहर जो है वो बसा भी हुआ है, और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। मैप्स वगैरह मैं आपको ना उसमें लगा के दूंगी। अच्छा, ये चीज़ ना यहीं पे खत्म नहीं होती है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो मैं आपको पीडीएफ दूंगी ना उसको भी पढ़ने की कोशिश करिए। उसमें ना मैं मैप वगैरह लगा के दे रही हूँ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो भी लिख के दे रही हूँ उसमें, तो कृपया करके बस टेस्ट पे खत्म मत कर दीजिएगा। 30-35 मिनट जो है वो जरा ना अपनी जो पीडीएफ आपको मिलेगी उस पर भी फोकस करिएगा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए फ्यूल फॉर्म्स अंडर द अर्थ सरफेस, राइट, और ये जो डिकम्पोजिशन से होता है, ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन की वजह से बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल फॉर्म्ड अंडर द अर्थ सरफेस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच इज कॉल्ड एज द डैश फ्यूल। तो किस नाम से या किस फ्यूल से इसको जाना जाता है, तो अपन क्या बोलेंगे, फॉसिल फ्यूल, सीधा बोलते हैं यहाँ पे जीवाश्म जिसको बोला जाता है। तो अरबों खरबों साल पहले जो चीजें दब गई थी पत्थर के नीचे या मिट्टी के नीचे, उन्हीं चीजों से आज की तारीख में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स है वो बना रहे, ठीक है। विच ऑफ दी फॉलोइंग एलिमेंट इज एडेड विद दी कॉपर एंड दी जिंक टू फॉर्म दी ब्रॉन्ज, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे, तांबे और जस्ता के साथ मिला के कांस्य जो होता है ना, कांस्य बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्रॉन्ज मेडल सुने होंगे आपने, तो ब्रॉन्ज मेडल में कौन सी चीज मिलाई जाती है, अरविंद और विजेंद्र, बिल्कुल टिन करके याद रख लें। एसएन क्या है, एसएन किसके लिए बोला जाता है, टिन के लिए बोला जाता है ना, तो टिन को साथ में मिलाया जाता है कॉपर और जिंक के, ताकि ब्रॉन्ज जो है वो यहाँ पे बन सके। इज अ मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ मणिपुर, इसमें से कौन सी आपको लग रहा है कि ये ना मार्शल आर्ट मणिपुर से रिलेटेड है। बिहू तो आपको पता ही होगा, असम का डांस बोला जाता है, और रॉफ जो है वो जम्मू कश्मीर का डांस बोला जाता है। तो मैंने आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन छोड़े हैं, तो क्या रहेगा यहाँ पे, थांगा था करके याद रखिए, थांग था करके बोलते हैं ना, थांग था, तो थांग था जो है ये मार्शल आर्ट है जो मणिपुर वाले राज्य में, पूरा यहाँ पे मणिपुर के क्षेत्र में मार्शल आर्ट के रूप में ये जानी जाती है। तो थांग था करके आप लोग को याद रखना है। अरविंद विद्यार्थी भाई बहुत बढ़िया। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैन ब्रिंग ग्रेटर डाइवर्सिटी, किस तरीके की रिप्रोडक्शन होनी चाहिए तो उसमें ना विविधता ज्यादा आएगी, या क्या तरीका है जिससे विविधता जो है वो लाई जा सकती है, बताइए। एकदम से कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो एकदम आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना पीछे वाले में ये मणिपुर में ये बागमबुरा बागाउरुम्बा ये भी असम का ही डांस बोला जाता है ना, ये असम के डांस के लिए ही बोलते हैं। अच्छा, इनमें से कौन सा, आप लोग साइंस में सच में काफी ज्यादा वीक हो, जो भी सब्जेक्ट पूछो ना साइंस के क्वेश्चन सबसे ही गलत आते हैं, बाकी सारे फिर भी ठीक ठाक आ जाते हैं। इनमें से कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन में ग्रेटर डाइवर्सिटी होती है, यानी कि विविधता, विविधता किसकी वजह से आएगी, जब डीएनए जो है वो ऑल्टर करेगा, या डीएनए के अंदर चेंजेस आएंगे, डीएनए के अंदर बदलाव आएंगे तो विविधता आएगी, और रीजनरेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बडिंग, इन तीनों ही तरीके में डीएनए में कोई भी ऑल्टरनेशन नहीं आती है, सेम टू सेम एज इट इज जो है वो आगे रिपीट हो जाता है, मतलब आगे पेरेंट्स के अंदर जो है ना वो ऐसा ही जैसा पेरेंट्स के अंदर था वैसा ही सेम टू सेम बच्चों में चला जाता है, इसलिए डाइवर्सिटी नहीं होती है। इस क्वेश्चन के लिए ना जब भी डाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको सेक्सुअल करके याद रखिए, यौन या सेक्सुअल करके लैंगिक बोलते हैं, कितना वाहियात शब्द लिखा है।
लैंगिक बोला जाता है, ठीक है, लैंगिक जो है ना वो बोलते हैं, लैंगिक प्रजनन बोलते हैं सेक्सुअल वर्ड के लिए। तो वहां पे जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए जो है वो एक दूसरे को एक्सचेंज करता है, तो डाइवर्सिटी होगा। पीसीए सुपरवाइजरी टूल्स टू मेंटेन द साउंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बैंक स्टैंड फॉर। पीसीए एक तरीका होता है जिससे आरबीआई जो है वो बाकी के सारे बैंकों को ये देखता है कि उनका सीआरआर ठीक है कि नहीं है, उनका एसएलआर ठीक है कि नहीं है, उनके पास जो डिपॉजिट है वो ठीक है कि नहीं है। राइट, हाल ही फिलहाल में ये न्यूज बहुत ज्यादा आई है और आपको ये पीसीए काफी एग्जाम में अगर आप फॉलो करते हो न्यूज वगैरह तो आपने सुना होगा, क्योंकि आरबीआई जो है वो काफी स्ट्रिक्ट हो गई है, काफी सारे बैंक के जो लाइसेंस है रद्द कर रही है। आईसीआईसीआई पे 3 करोड़ का रुपए का जो फाइनेंस का जो थोड़ा सा उन्होंने जो चार्ज कर दिया है। तो आप लोग याद रखिए यहाँ पे कि ये जो है ना पीसीए, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन करके ये आरबीआई के द्वारा एक गाइडलाइन का तरीका है, ठीक है, आरबीआई के लिए। तो शुभाजीत बिल्कुल याद रखिए क्वेश्चन यहाँ पे, और भैया आंसर लिख लिया, अपना नाम लिख लिया, और एक क्वेश्चन मार्क करके कौन लिखा हुआ है। विच ऑफ दी फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट ग्रुप बिलोंग्स टू दी ग्रुप 17, इनमें से कौन सा एलिमेंट है आपका जो ग्रुप 17 को बिलोंग नहीं करता है। अच्छा, आप लोग को सबको पता है, आपने से मैक्सिमम लोग दिए भी होंगे, तो अभी हाल ही फिलहाल में हम 2 से 3 जो है ना वो साइंस का टेस्ट भी करते हैं जो कि टॉपिक वाइज होता है ना। तो 2 से 3 अनअकैडमी पे आप साइंस का टॉपिक वाइज टेस्ट जो है ना वो भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आप लोग का साइंस का, चलो ये तो बहुत बढ़िया, डज नॉट बिलोंग्स टू 17th ग्रुप। 17th ग्रुप में बिलोंग कौन करते हैं, तो फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन और आयोडीन और एस्टेंटाइन। राइट, ये 5 एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। आर्गन जो है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है 18th ग्रुप को, तो आर्गन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रतीति तिवारी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज एन ओर ऑफ मरकरी। जैसे कल भी आपको बताया था, कुछ ऐसे आपके एलिमेंट्स हैं जो कि एक एक ओर ही रखते हैं, मतलब सिंगल सिंगल ओर रखते हैं, तो मरकरी जो है वो उन्हीं में से है। मरकरी सिंबल है HG करके, हाइड्रा गायरम करके लिखा जाता है। 80 है इसका एटॉमिक नंबर, और इसका सिंगल ओर जो है वो किसको बोलते हैं हम यहाँ पे, मरकरी को बोला जाता है, ये सिनेवार को बोला जाता है, जो कि HGS से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, HGS से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लोकेश बिल्कुल, सूरज कुंड लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेट। सूरज कुंड का बहुत बड़ा मेला लगता है, सुबह वाली क्लास में आज ही बताया है, 6 से 7 वाली में आपको, कि सूरज कुंड जो है ना ये मेला यहाँ पे लगता है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेले में से एक काउंट किया जाता है। सूरज कुंड लेक जो है वो कहाँ पे स्थित है, उसी राज्य में स्थित है, तो आप हरियाणा करके याद रखेंगे, ठीक है, हरियाणा, मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे अभी उसके चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन दी उड़ीसा, इनमें से कौन सा फेस्टिवल जो है वो उड़ीसा में फेस्टिवल जो है ना ये सेलिब्रेट किया जाता है। रीजन ये है कि अभी उड़ीसा में इस चीज को लेके बड़ा ये हो गया था, आपने कल सुना होगा कि कई सारे जो किसी किसी मौलाना साहब की कल मृत्यु हो गई है, तो उनके जनाजे में काफी लोग चले गए थे, कोरोना के नियम का 144 सेक्शन लगा हुआ है तो भी, और सेम जो है वो उड़ीसा में हुआ है। बाली तृतीया करके याद रखिए, वैसे कोई फेस्टिवल था वहां पे, तो कभी हजारों की संख्या में महिलाएं मटके सर पे रख के बिना कोरोना के रूल फॉलो करे हुए, और इन एरिया में देखिए सेक्शन 144 लगा हुआ है उसके बाद भी, और उसके बाद जब बेड की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी, तो फिर दिक्कत हो जाती है यहाँ पे ना, मतलब फिर असमर्थ हो जाती है सरकार भी उस चीज को संभालने के लिए, ये सारा। तो बाली तृतीया करके याद रखिए, उड़ीसा में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट यहाँ पे किया जाता है। अरविंद बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो कौन से वर्ष में यहाँ पे बनी थी, और इससे रिलेटेड अपन ने, अच्छा कल हमने HSRA पार्टी पढ़ी थी, कम्युनिस्ट पार्टी भारत में कौन से वर्ष में बनी थी बताइए। अरविंद बिल्कुल करेक्ट आंसर, कम्युनिस्ट पार्टी, और बड़ा ही अच्छा सा है इसका, CPI जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, CPI जो है वो कानपुर में बनाई गई थी। राइट, CPI जो है ये कानपुर के अंदर बनाई गई थी, और इसकी तारीख बड़ी शानदार है, 25 अक्टूबर 1925, लर्न कर सकते हो आप यहाँ पे। कभी कभार आपको जब आप देखोगे तो 25 दिसंबर भी कभी कभी यहाँ पे दिखने को मिल जाता है। MN रॉय मजुमदार, चारू मजुमदार के द्वारा, NM MN रॉय
और एम एन रॉय आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जिन्होंने डिमांड की थी, उसके अलावा चारों मजुमदार को लेके हिस्ट्री पॉलिटी में एक बहुत ही शानदार सी एक स्टोरी है जिसको अपन कभी पॉलिटी पढ़ेंगे तो समझेंगे। यहाँ पे 25 अक्टूबर की जगह आपको कभी कभी 25 दिसंबर भी दिखेगी, क्योंकि इन्होंने डिक्लेयर तो 25 अक्टूबर 1925 को कर दिया था, लेकिन कुछ प्रेशर की वजह से ये बन नहीं पाई थी पार्टी। तो फिर उसके बाद इन्होंने अक्टूबर की जगह दिसंबर, दैट इज 25 दिसंबर 1925। नाम जैसे मैंने बताया, नाम याद करके रखिएगा यहाँ पे, एम एन रॉय, चारू मजुमदार, ये दो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। तो 1925 अब भूलेंगे तो नहीं, 25 दिसंबर 1925 एम एन रॉय, चारू मजुमदार, इनके द्वारा कानपुर में ही बनाई गई थी पार्टी, ठीक है, कानपुर के अंदर। तो कोलकाता कभी आंसर नहीं लिखिएगा इसमें, ऑप्शन में कोलकाता होता है कि ये पार्टी कहाँ पे स्थापित की गई थी, तो कोलकाता लिख देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आंसर आपको कानपुर करके याद रखना है कि कानपुर में स्थापित या डिक्लेयर की गई थी ये पार्टी। तो 1925 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दीज फॉलोइंग फीचर वर बोरोड बाय द यूनियन ऑफ दीज, सो अच्छा इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप बस इसमें से ये बता दीजिए कि इनमें से हमने यूएसएसआर से कौन सी प्रोविजन भारतीय संविधान में लिया था, कॉन्करेंट लिस्ट, फंडामेंटल राइट्स प्रीएम्बल और 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, समवर्ती सूची, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार तो हमने अमेरिका से लिए थे, है ना, फंडामेंटल राइट जो है वो हमने अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। उसके अलावा आपको याद रखना है कि यूएसएसआर से हमने 5 ईयर प्लानिंग जो है वो यहाँ से उठाई थी। सबसे पहले 5 ईयर प्लानिंग जो है वो यूएसएसआर में सक्सेसफुली लॉन्च हुई थी, उसके बाद महालनुवास, पीसी महालनुवास के कहने पे, पीसी महालनुवास को ही 5 ईयर प्लानिंग का जनक बोला जाता है यहाँ पे, और 1951 से 5 ईयर प्लानिंग को शुरू कर दिया गया। 5 ईयर प्लानिंग करेक्ट आंसर होगा। अभिषेक तिवारी, बहुत बढ़िया। विच ऑफ दी फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, आत्मघाती थैली के रूप में इनमें से कौन से सेल को जाना जाता है। बहुत ही शानदार और बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है ना, आत्मघाती थैली, गॉल्गी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जाली के रूप में नाम जाना जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल जाना जाता है, लाइसोसोम जो है वो अपना सुसाइडल बैग्स के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। अरविंद बिल्कुल करेक्ट। वेरी वेरी इज द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो वेरी वेरी नाम की जो बीमारी है वो कौन से डिजीज, मतलब वेरी वेरी नाम की बीमारी कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से यहाँ पे होती है। अभिषेक तिवारी, प्रलय पात्रा, सुबोध भारती, ऋषभ रंजन, बिल्कुल विटामिन B1 लिख लें यहाँ पे, विटामिन B1 की कमी से वेरी वेरी नाम की बीमारी हो जाती है। B6, B9 और B12 से हमारा ये अनीमिया करके डिफाइन किया जाता है। इनमें से कौन सी गैस जो है वो एनेस्थेटिक एजेंट की तरह इस्तेमाल की जाती है, या एनेस्थीसिया के रूप में भी अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कैन बी यूज्ड। बाकी ये सारी की सारी गैसेस जो हैं वो 18 ग्रुप में आती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। आपको सीक्वेंस पता है यहाँ पे, प्रतीति तिवारी बिल्कुल करेक्ट, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ीनॉन और रेडॉन, ठीक है, ये आपको सीक्वेंस पूरा याद रखिएगा, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ीनॉन और रेडॉन। ज़ीनॉन को हम एनेस्थेटिक रूप में भी इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, ठीक है। डगोंग जो है वो किस बायोस्फीयर रिजर्व का मेन जानवर जो है या प्रजाति जो है, फ्लोरा एंड फौना जब हम बोलते हैं तो फौना जो है वो जानवर के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो डगोंग जो है वो कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व का प्रमुख प्रजाति बोली जाती है, रन ऑफ कच्छ, सिमिलीपाल, मानस या गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है ये पता है किसी को, गल्फ ऑफ मन्नार के नाम पे ये तो नहीं लगता है कि भाई तमिलनाडु लिखेंगे, सॉरी गुजरात लिखेंगे तो भी अपना आंसर सही रहेगा, नहीं लगता है ना आप में से किसी को, तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो कोरोमंडल कोस्ट में तमिलनाडु के पास में सिचुएटेड है, गुजरात में नहीं। ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो है ये गुजरात में स्थित है ना, सिमिलीपाल उड़ीसा हो गया, मानस ये असम के पार्ट पूरा। तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है ना इसमें ये डगोंग नाम की प्रजाति जो है वो पाई जाती है, ऐसे थोड़ा सा एनिमल टाइप, ऐसे जंगली टाइप होता है, तो गल्फ ऑफ मन्नार डगोंग। अभिषेक तिवारी बिल्कुल करेक्ट आंसर। विच ऑफ दी फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी नाइट्रोजन फिक्सेशन, इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है, स्यूडोमोनस, एजोटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस या राइजोबियम।
राइजोबियम करके लिखना है या एजोटोबैक्टर। स्यूडोमोनास तो देखो डीनाइट्रिफिकेशन करता है, यानी कि जो नाइट्रोजन बन गई है उसको डीनाइट्रिफिकेशन, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन अगर है तो उसको भेज देगा कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। लैक्टोबैसिलस कौन सा बैक्टीरिया है जो दही जमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो राइजोबियम जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रतीति बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द राइटर ऑफ द आईने अकबर। आईने अकबर ही नाम की जो किताब थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, और बशर्ते ये जो अकबर हैं उनके जो नौ रत्न थे उसमें शामिल थे, है ना। तो आईने अकबरी ये किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी यहाँ पे, टोडरमल, भारमल, मानसिंह, अबुल फैजल, है ना, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, तानसेन, ये सारे नौ नौ रत्न में आते थे। तो आईने अकबरी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई, बिल्कुल शानदार, अबुल फैजल करके याद रखिए, अबुल फैजल के द्वारा लिखी गई थी। लोकेश बिल्कुल करेक्ट आंसर। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो भारत के किसके द्वारा अपॉइंट यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थर्ड इंपॉर्टेंट पोस्ट खोली जाती है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, सेकंड जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की होती है, और तीसरी आपकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हिदायतुल्ला आपको पता होगा, हिदायतुल्ला ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिन्होंने प्रेजिडेंट का रोल भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्ले किया था। प्रेजिडेंट याद रखे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं, और प्रेसिडेंट की जो शपथ होती है वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई के द्वारा कराई जाती है। अभी जो प्रेजेंट में हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है, एन वी रमन्ना, है ना, रमन्ना साहब जो है वो याद रखिए, अरविंद, शरद अरविंद बोबड़े को रिप्लेस करके यहाँ पे आए हैं। पहले चीफ जस्टिस जो है वो हमारे कान्हा साहब थे, ठीक है, कान्हा साहब जो है वो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे डिफाइन किए जाएंगे, तो प्रेसिडेंट करके याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, विच बैटल वॉज फॉर्म्ड फॉट बिटवीन दी मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लगातार दो लड़ाई हुई थी, बैटिंग तो क्या ही बोलेंगे, बैटिंग ही धाम धूम हो रहा था इनमें, 1191 और 92। और यहीं से बोला जाता है कि भारत में मुस्लिम्स इन्वेडर जो है वो यहीं से शुरू हो गया। वैसे तो मुस्लिम्स के लिए बोलते हैं कि भाई पहली बार 1206 में स्लेव डायनेस्टी के साथ ये शुरू हुआ था, है ना, 1206 में बोला जाता है, लेकिन उससे पहले ही ये जो मोहम्मद गौरी 1191 में और 1192 में तराइन का जो युद्ध होता है वहां से ही बोला जाता है कि भाई मुस्लिम्स ने घुसना शुरू कर दिया। तराइन के युद्ध में, 91 वाले तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी हारा था पृथ्वीराज चौहान से। 92 का डिसीजिव बैटल क्या था, हारा तो थे पृथ्वीराज चौहान, हारे तो थे लेकिन उन्हें उसी युद्ध में मार दिया गया था या पकड़ के ले गए थे। वो स्टोरी चंदर वरदाई की क्या है, वो ठीक है या नहीं है इसका कोई आइडिया नहीं। ये तक कहा जाता है कई लोगों के द्वारा, हिस्टोरियंस के द्वारा, कि शायद जो उस तराइन की बैटल में मोहम्मद गौरी जो है हार तो गए थे लेकिन पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद वो यहीं छोड़ गए थे। ऐसा नहीं है कि गद्दी पे बैठे हों या लेके गए हों, अपने आप ही पृथ्वीराज चौहान की कुछ टाइम के बाद मृत्यु हो गई थी अभिषेक तिवारी। बाकी चंदर वरदाई की तो कहानी अपने पास है ही यहाँ पे पूरी। हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बैक्ड द आईसीसी क्रिकेट, आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, अच्छा यहाँ पे आंसर ना पहले कुछ गड़बड़ कर दिया था पिछली कुछ क्लासेस में, तो यहाँ पे जरा सही दे दीजिए। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड जो दिया गया है ना भाई, वो यहाँ पे ना आंसर आपका MS धोनी आएगा, विराट कोहली नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं करेक्ट करवा देती हूँ, यहाँ पे MS धोनी आंसर करना है, ठीक है, विराट कोहली आंसर नहीं करना है। दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक तो है कैप्टन करके, कैप्टन ऑफ द डिकेड, जब आपसे कैप्टन ऑफ द डिकेड पूछा जाता है तब विराट कोहली आंसर करते हैं, लेकिन आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड जब बोला जाए, अच्छा नहीं करेक्ट क्यों करना है, पहले भी सही बताया था अभी भी देखिए ठीक है, जब आपको यहाँ पे कैप्टन ऑफ द डिकेट बोला जाएगा तब आपको विराट कोहली लिखना है, लेकिन आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेट लिखना है तब आपको ना MS धोनी करके बोला जाएगा। मैं ठीक हूँ ना यहाँ पे, सारे लोग अग्री करते हैं, अरविंद बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे, MS धोनी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेट, और उसके बाद जो कैप्टन वाला जो अवार्ड है वो विराट कोहली को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट गवर्नर लॉन्चेज वन स्कूल वन IAS स्कीम, किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन IAS जो स्कीम है वो लॉन्च करी है यहाँ पे, और मैं बता देती हूँ इसका थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपके लिए, ये कौन है यहाँ पे गवर्नर कौन है, ये आरिफ मोहम्मद खान जी, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान जी के द्वारा
ये लॉन्च किया गया है आरिफ मोहम्मद खान। तो ये कौन से स्टेट के अभी गवर्नर है यहाँ पे, तो केरला स्टेट के गवर्नमेंट है, तिरुवनंतपुरम यहाँ पे हो गया। और अभी केरला में नए जो सीएम है वो भी बन गए हैं दोबारा से, पिन्यारेन है ना, पिन्यारेन यहाँ पे। तो सिविल सर्विसेज के लिए ये किया गया है कि जो बच्चे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ऐसे 10,000 बच्चों को सिविल सर्विसेज के लिए, आईएएस बनने के लिए जो कोचिंग है वो दी जाएगी। काफी अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पे, तो हो सकता है इस इनिशिएटिव से काफी बच्चों के अंदर पढ़ने का जोश वापस से पैदा हो। केरला, बिल्कुल करेक्ट आंसर। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन साइन हिस्टोरिक एमओयू विद नेफेड? अभी हाल ही फिलहाल में नेफेड के साथ इनमें से कौन सी स्टेट और यूटी जो है उसने यहाँ पे साइन किया है, तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। ये काफी ज्यादा, ये देखिए न्यूज जो है ना वो स्टेट से रिलेटेड होती है, जैसे पर्टिकुलरली आपका, अच्छा ये क्वेश्चन हमने किया है सुबह की क्लास में किया है ना इसीलिए। चलिए, नेफेड क्या बोला जाता है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो नेफेड क्या है? एमओयू जो साइन हुआ है यहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर के साथ साइन हुआ है, ये एग्रीकल्चर फेडरेशन के लिए डिफाइन किया जाता है। तो यस, आप लोग इसमें जम्मू कश्मीर याद रखिएगा। नेफेड की फुल फॉर्म जो है वो लर्न कर लीजिए यहाँ पे, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये, ठीक है, जम्मू कश्मीर करके याद रखिए। प्रतीति, बिल्कुल करेक्ट आंसर। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड अवलोकन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन से चीफ मिनिस्टर के द्वारा, मतलब किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो अवलोकन जो सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च यहाँ पे किया गया है? अरविंद, करेक्ट आंसर। बाकी लोग भी एक बार कोशिश करिए यहाँ पे, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च? और अभी कर्नाटक के लिए तो अपन नहीं बोलेंगे, तमिलनाडु में चेंज हुई है सरकार, स्टालिन सरकार आई है, तो ये येदुरप्पा हो गए, यहाँ तो ये फिक्स ही है अपने। सीएम कर्नाटका के अभी कौन है? येदुरप्पा करके याद रखिए। और ये जो अवलोकन स्कीम है ये आपकी लॉन्च की गई है कर्नाटक में, और ये कब का क्वेश्चन है? ये शायद आपका जनवरी के आसपास में ये लॉन्च की गई थी, तो ये तो 20 और 25 जनवरी के आसपास में ये स्कीम यहाँ पे लॉन्च किया गया, मतलब सॉफ्टवेयर जो है वो लॉन्च किया है। तो येदुरप्पा साहब जी के द्वारा, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं ये भी हाल ही फिलहाल में। तो अरविंद, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग होइस्टेड एट दी हाउ मेनी बीचेस अक्रॉस दी कंट्री? कितने बीचेस को ब्लू फ्लैग का टैग यहाँ पे दिया गया है? अब मैं ब्लू फ्लैग जो टैग दिया गया उनके जरा नाम बोलती हूँ, आप देखते हैं। एक तो राधा नगर बीच जो इंडिया का सबसे बेस्ट और साफ बीच है, उसके अलावा ऋषिकोंडा बीच है आंध्र प्रदेश में, गोखला बीच है दीव में, कासरगोड और पाडुबिरी ये कर्नाटका के बीच है यहाँ पे, कप्पड़ जो है वो केरला का हो गया, शिवराजपुर जो है वो गुजरात का हो गया, ऋषिकोंडा जो है वो आंध्र प्रदेश का हो गया। तो पता नहीं मैंने कितने बीच बोले यहाँ पे, गिने आप लोगों ने, काउंट किए, 8 बीच याद रखिए, 8 बीच जो है ना उनको ब्लू फ्लैग बीच का यहाँ पे थोड़ा सा अक्रॉस दी कंट्री टाइटल दिया हुआ है। ब्लू फ्लैग जो है वो सबसे सुंदर और साफ बीचेस जो है उनके लिए बोला जाता है। अभी हाल ही फिलहाल में अगर बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे अच्छा सुंदर बीच जो है, एक तो गोल्डन बीच है और एक राधा नगर बीच है। गोवा का कोई भी बीच इस ब्लू फ्लैग के टाइटल को होस्ट नहीं करता, तो गोवा में के बीचेस ना सिर्फ उसी के लिए होते हैं, आज ब्लू है पानी पानी बस, साफ सफाई तो जो है वो ब्लू फ्लैग जो है वो बाकी के जो हमारे स्टेट के बीचेस है ना उनको यहाँ पे दिया जा रहा है। चलिए, हु अमंग्स द फॉलोइंग कन्फर्ड इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IFFI के अंदर ये हमारा इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो किसको यहाँ पे दिया गया है बताइए? इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, ये भी न्यूज आपकी लगभग लगभग कहाँ की जा रही है, मतलब कौन से आपके टाइम की है ये न्यूज? ये भी जनवरी की न्यूज है क्या? ये भी न्यूज आपकी शायद जनवरी में ही आई थी। तो ये एक्टर हैं यहाँ पे, एक्टर और डायरेक्टर हैं ये यहाँ पे, मतलब तो विश्वजीत चटर्जी करके याद रखें। फिल्म फेस्टिवल है ये, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोला गया है आपका, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, शशांक कुमार, बिल्कुल। विश्वजीत चटर्जी जो है वो इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, IFFI, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करके इसको अपन यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। Who has recently named as Deputy Election Commissioner? तो सुशील चंद्रा साहब जो है वो कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर बन गए, तो अभी डेप्यूटी जो है, डेप्यूटी जो इलेक्शन कमिश्नर है वो किसको बनाया गया है बताइए? सुमित, पूजा गुप्ता, जॉनी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पे अभी डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर किसको बनाया गया है?
उमेश सिन्हा जी याद रख लीजिए, क्या हो गया इतना, राजीव कुमार कहाँ से आ गए? अच्छा ये अपने कहीं और पढ़े हैं तो इधर में डाल दिया हमने, वाला चीज है कि नाम तो याद ही है, अब वो पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में याद है। तो उमेश सिन्हा याद रखें, उमेश सिन्हा जो है वो भी डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो यहाँ पे बनाए गए। अच्छा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क डेवलप्ड आई कैंसर थेरेपी इन द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियस रुदेनियम 106। अच्छा अभी ये याद रखिएगा, आई थेरेपी के लिए आपसे पूछा जाएगा कि किस चीज को या किस मेटल को इस्तेमाल करते हैं, तो रुदेनियम 106 याद रखिए, ठीक है। जो ट्यूमर होता है ना उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो बार्क है ना इसका आप हेडक्वार्टर बता दीजिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? नहीं, ट्रीटमेंट ऑफ दी ऑक्यूलर ट्यूमर की जो ये खोला गया है सेंटर, आई कैंसर के लिए इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? अच्छा आपको आज का दिन पता है ना, आज का दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे के नाम से जाना जाता है, 11th वही नेशनल टेक्नोलॉजी डे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आज के दिन जो है वो 1998 में पोखरान का टेस्ट किया था, पहला इंडिजिनस मिसाइल भी छोड़ा था और सैटेलाइट भी छोड़ी थी, तो तीनों चीजें आज के दिन में छोड़ी गई थी, पोखरान टेस्ट जिसको हम शक्ति के नाम से जानते हैं। तो वो पहला पॉइंट जरा याद रखिएगा, मुंबई करके याद रखिए, रुदेनियम 106 आई ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आई कैंसर थेरेपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ से इस चीज को जरा निकालिएगा, ठीक है। विच ऑफ दी विद द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ विच सिटी डिड यूएनडीपी हैज साइंड एन एमओयू टू क्रिएट इंडिया फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड? यूएनडीपी ने अभी हाल ही फिलहाल में, जो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके साथ अभी हाल ही फिलहाल में एक साइन किया है सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को बनाने के लिए? यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड रहता है? तो न्यूयॉर्क करके याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड वगैरह जो है वो ये भारत के साथ कई स्टेट्स के साथ साइन कर चुका है, और अभी हाल ही फिलहाल में जो साइन किया है वो पुणे के साथ किया है, ठीक है, पुणे। अभिषेक बिल्कुल करेक्ट आंसर, पुणे के साथ अभी ये साइन किया गया। एन एमओयू हैज साइन बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? अच्छा ये क्वेश्चन अभी हाल ही फिलहाल का है यहाँ पे, तो ये जो एमओयू मैं बता देती हूँ पहले, ये जो साइन किया गया है ये साइन तो किया गया था नई दिल्ली के अंदर, और ये साइन किया गया था कि भाई रूरल एरियाज के जो डेवलपमेंट है उनको, या रूरल एरियाज में जो रोड्स वगैरह है ना उनके डेवलपमेंट के लिए, भाई कैसे डेवलप करना है, फोकस करना है, टीचिंग ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट ऑफ हाईवे स्ट्रक्चर जो है वो उनको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा बेसिकली, ठीक है, इस चीज के लिए। अब आप यहाँ पे बता दीजिए, किसी को आप में से याद है, ये अभी फिलहाल ही साइन हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, एग्जैक्टली इसका डेट मुझे याद नहीं है कि ये कब साइन हुआ था, लेकिन मतलब इसी साल का न्यूज है ये। तो ये जितने भी क्वेश्चन है आपके ये करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाएंगे सारे के सारे, मतलब न्यूज तो ये मेरे ख्याल जनवरी की ही है लेकिन एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। आईआईटी रुड़की याद रख लीजिए, ठीक है, आईआईटी रुड़की के अंदर ये जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है इसमें नितिन गडकरी, आपको याद है नितिन गडकरी जी हैं इसके यहाँ पे मिनिस्टर, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के जो मिनिस्टर हैं वो नितिन गडकरी साहब हैं, इन्होंने आईआईटी रुड़की के साथ अभी एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन कर रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म टू सर्व रिटेल लोनर स्किल रिटेल लोनर सीकर? तो अभी हाल ही फिलहाल में इस बैंक के द्वारा, या अभी हाल ही फिलहाल नहीं बोलेंगे, फिर से जनवरी ही बोलेंगे, जनवरी की है ये न्यूज, ये रिटेल लोनर्स जो सीकर्स हैं उनके साथ में साइन किया। अच्छा आपको जो बैंक याद है आप उनके नाम लिख दे रहे हो यहाँ पे, मैं बता देती हूँ जो यहाँ पे आंसर है उसका हेडक्वार्टर बड़ोदरा में है, और मेरे ख्याल श्री देवादत्त चंद्र है यहाँ पे, देवादत्त चंद जो है वो इसके ओनर है, मतलब ओनर तो क्या ही है, सीईओ है पूरा का पूरा, ये जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आ चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा याद रखे, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है इसका आंसर यहाँ पे, सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी हाल ही फिलहाल में डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो, ताकि लोन्स जो है वो आराम से दी जा सके, लोन यही इजिली जो है वो ट्रांसफर करी जा सके, इसके लिए यहाँ पे पूरी जद्दोजहद जो है वो अपनाई है यहाँ पे। तो हेडक्वार्टर बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है ना ये बड़ोदरा में लोकेटेड है, गुजरात हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा उसी से रिलेटेड ही है पूरा का पूरा, बाकी इसमें स्टेट ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट ओन बैंक है, गवर्नमेंट के पास है इसके मैक्सिमम स्टेक, 71% से ज्यादा इसमें गवर्नमेंट का शेयर है, ठीक है। जॉनी बिल्कुल करेक्ट आंसर।
गनोरी तंता विलेज, गनूरी तंता विलेज, ठीक है। ये माउंटेनियस डोडा, ये कौन सी स्टेट या यूटी में है जिसने पहली बार बिजली के बल्ब को देखा था, मतलब भारत के अंदर। ये हाल ही फिलहाल की बात है यहाँ पे। गनूरी टंटा अभी ये कौन से राज्य का या कौन से यूटी का गांव है जिसने अब पहली बार 2021 में आके बल्ब को जलता हुआ पहली बार देखा था। लोकेश बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो भाई इसके लिए ना जम्मू कश्मीर याद रखिए, अभी हाल ही फिलहाल का ये क्वेश्चन है, जनवरी का ही क्वेश्चन है ये भी। तो गनूरी तंता नाम का गांव है जो पहली बार इलेक्ट्रिसिटी, या पहली बार उस गांव के अंदर ना बिजली आई है, पहली बार उन्होंने बल्ब जलता हुआ देखा है, ठीक है, 2021। विद विच स्पोर्ट इज निखिल नंदी इज रिलेटेड, जो कि अभी रिसेंटली इनकी यहाँ पे डेथ हो गई है, अगेन जनवरी का ही न्यूज है ये। तो निखिल नंदी जो है वो अभी पास, मतलब डेथ हो गया है। ये कौन से खेल से संबंधित है, कौन से गेम से संबंधित है? हॉकी, हॉकी या फुटबॉल? निखिल नंदी, ही इज रिलेटेड टू व्हाट? भाई हॉकी याद रखे, नहीं, हॉकी क्यों, फुटबॉल याद रखे, सॉरी। निखिल नंदी जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, और हाल ही फिलहाल जो है इनका यहाँ पे निधन हो गया है, तो थोड़ा उस कॉन्टेक्स्ट में याद रखे। सिविक बॉडी हैज अनाउंस्ड बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन दी कंट्री। नागरिक निकाय डैश ने हमारे भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगर निगम की घोषणा कौन से सिविल बॉडी को की है, किस राज्य के सिविल बॉडी को यहाँ पे की है? विशाखापट्टनम, राइट अरविंद, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पे विशाखापट्टनम का जो सिविक बॉडी है उसको अभी यहाँ पे बेस्ट म्युनिसिपल या बेस्ट नगर निगम का यहाँ पे उपाधि यहाँ पे दी है। डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेट इंडियाज हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और द यूटी? अच्छा, यहाँ पे स्टेट और यूटी दोनों ही शामिल है, तो जल्दी से बता दीजिए। अभी हाल ही फिलहाल का है ये क्वेश्चन। मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो है वो अभी हर्षवर्धन जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, कौन सी स्टेट में या कौन से यूटी में? अरविंद बिल्कुल करेक्ट आंसर। और ये इंडिया की काफी हाईएस्ट माउंटेन रेंज से, ओशन प्लेट से या ओशन से देखा जाएगा तो काफी हाईएस्ट रेंज पे आता है लेह करके, याद रखिए। लेह में अभी डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर, सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र जो है वो यहाँ पे खोला गया है ना। नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ दी फॉलोइंग बैंक इंट्रोड्यूस ई क्रेडिट कार्ड रिसेंटली? अभी हाल ही फिलहाल में ई क्रेडिट कार्ड जो है, मतलब सब कुछ अभी ऑनलाइन ही हो रहा है, तो बैंक भी अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं कि जो उनकी जो सेल वगैरह है वो रुकना नहीं चाहिए। तो ई क्रेडिट कार्ड जो है वो भी रिसेंटली इशू किया गया है, कौन से बैंक के द्वारा, कौन से बैंक के द्वारा ई नेशनल ई क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू यहाँ पे किया गया है? कोई दिक्कत नहीं है, मल्लिका अर्जुन राव करके आप याद रखिए। इस बैंक के जो ओनर हैं वो कौन है, सीईओ, सॉरी सीईओ जो है वो मल्लिका अर्जुन है ना, मल्लिका अर्जुन राव करके बोला जाता है। पंजाब नेशनल बैंक याद रख लीजिए, आजकल पंजाब नेशनल बैंक जो है ना वो बहुत ज्यादा चीजों के लिए ऑनलाइन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। मल्लिका अर्जुन राव काफी, ये भारत का पंजाब नेशनल बैंक जो है वो काफी पुराना बैंक है, 1894 में इसको खोला गया था, और जब खोला गया था तो ये पाकिस्तान वाले एरिया में था, आज भारत में। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, पीएनबी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही लोकेटेड है ना, तो न्यू दिल्ली करके यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जॉनी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गए। लास्ट 10 क्वेश्चन, एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अवॉर्डेड दी नोबेल प्राइज फॉर विच ऑफ दी फॉलोइंग डिस्कवरी? एल्बर्ट आइंस्टीन को किस डिस्कवरी के लिए जो नोबेल प्राइज है वो यहाँ पे दिया गया था, जल्दी जल्दी बता दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप सारे के सारे। स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी, एल्बर्ट आइंस्टीन को कभी भी रिलेटिविटी थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला था, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद रखिए, एल्बर्ट आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज जो है वो यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। ऑल्सो नोन एज बैरिता वाटर, बैरिता वाटर, बैरिता वाटर जो है वो किस केमिकल कंपाउंड को यहाँ पे जाना जाता है? थोड़ी सी चीजें हैं, थोड़े थोड़े 5-6 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं, तो 41 पे हैं अभी, 41
41 पे है ना, तो अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। बेरिता वाटर किस, अच्छा यहाँ पे मैंने पोल ही नहीं दिया अभी। बेरिता वाटर जो है, बेरिता जल जो है वो किस किसके नाम से जाना जाता है, या बेरिता वाटर को आप किसके और नाम से जानते हो यहाँ पे? में दिया था ना एल्बर्ट, हाँ एल्बर्ट आइंस्टीन को, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ना 1921 में। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल्ट वाइज, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल्ट वाइज लिखते हैं यहाँ पे। इसको बर्ता जल या बेरिता वाटर के रूप में भी ना इसको जाना जाता है, तो ए करके याद रखिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड, राइट। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर ऑब्टेन फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ दी ग्लूकोज? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को रेस्पिरेशन करने के लिए यानी कि कन्वर्ट करने के लिए कितने ATPs जो है ना उनकी जरूरत होती है, बताइए। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करने के लिए कितने ATP की यहाँ पे जरूरत पड़ती है? अरे बाप रे, इतने ज्यादा वेरिएशन इस क्वेश्चन के लिए। आपको ये नहीं पता है कि टोटल जो है वो हमारे पास कितने मतलब टोटल हमारे पास कितने ग्लूकोस बनते हैं? तो 38 एक ग्लूकोस बनते हैं, मतलब एक ग्लूकोस से हमारे पास कितने ATP बनते हैं? तो 38 ग्लूकोस बनते हैं, जिनमें से दो ग्लूकोस जो है वो ग्लूकोस की कन्वर्जन के, जिनमें से दो ATP जो है वो ग्लूकोस की कन्वर्जन के लिए ही इस्तेमाल हो जाते हैं। तो ओनली टू करके याद रखिए, ड्यूरिंग दी रेस्पिरेशन प्रोसेस या ड्यूरिंग दी सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस 2 ATPs आर स्पेंड फॉर दी कन्वर्जन ऑफ दी ग्लूकोज ओनली। तो यहाँ पे दो करके आंसर करना है, ठीक है, दो करके याद रखिए। अरविंद बिल्कुल करेक्ट आंसर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस टू लिमिट द टेन्योर ऑफ CEO एंड MD टू हाउ मेनी ईयर्स? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने टेन्योर जो है, अच्छा ये जो टेस्ट है इसमें किसी दिन आपको लगेगा कि हिस्ट्री ज्यादा है, किसी दिन ज्योग्राफी, आज जैसे ये बैंक्स वगैरह के क्वेश्चन ज्यादा है, तो कोई इशू नहीं है। आप आराम से जब 10 के 10 सेट या 500 क्वेश्चन एक साथ पढ़ने बैठोगे ना, तब सारी चीजें आपको क्लियर जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे होंगी। और इनका ना मैं रिविजन आपको यूट्यूब पे करा दूंगी, तो एक दिन क्लास लेंगे जिसमें पूरे 500 क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे यूट्यूब पे, तो आपको इतना टेंशन भी नहीं होगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस टू लिमिट द टेन्योर ऑफ CEO एंड MD ऑफ फॉर दी हाउ मेनी ईयर्स? तो 15 ईयर्स याद रख लीजिए, 15 साल का जो टेन्योर है वो कैपिंग यहाँ पे कर दी गई है प्रतीति, ठीक है। और ये सारे इसके लिए अपन ने डिटेल में भी बात किया था, बात दोबारा कोई बन नहीं सकता है, 15 ईयर्स के लिए इसकी कैपिंग यहाँ पे कर दी गई है, और ये RBI के द्वारा ही अनाउंस किया गया उस चीज को लेके कि बार बार जो है ना वो एक ही CEO जो है वो बन जा रहे हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ना इसको थोड़ा सा कैपिंग किया गया था ताकि CEO जो है वो थोड़े से चेंज हो सके, ठीक है। द फर्स्ट एवर 3D प्रिंटिंग हाउस ऑफ इंडिया हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एट विच प्लेस? भारत के पहले 3D मुद्रित जो मुद्रित घर का जो जो उद्घाटन किया गया है वो IIT मद्रास के अंदर किया गया, ठीक है। तो ये IIT रुड़की, IIT मद्रास, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब गवर्नमेंट कोई भी नई स्कीम लॉन्च करती है, ठीक है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, ये अपन ने पुर्तगाल की राजधानी ज्यादा ही नहीं आज पूछा जा रहा आपसे, पुर्तगाल की राजधानी क्या है बताइए? वट इज दी कैपिटल ऑफ दी पुर्तगल? पुर्तगल ये पूरा इसके लिए बोलते हैं यूरोपियन कंट्री से स्पेन के बिल्कुल चिपका हुआ है ना, स्पेन और पुर्तगल जो है वो एक ही साथ में लगे हुए कंट्रीज है, तो जहाँ पे स्पेन पूरा खत्म हो रहा है तो पुर्तगल इस तरीके से यहाँ पे छोटा सा एक कंट्री है ना, लिस्बन करके याद रखिए, लिस्बन जो है वो पुर्तगल की राजधानी यहाँ पे अपनी डिफाइन की जाती है। बैगटन कप, बैगटन कप जो है ये कौन से खेल से संबंधित है? अच्छा कुछ क्वेश्चन आपके जो सुबह में क्लास होती है उसके रिवीजन भी हो जाता है। बैगटन कप कौन से खेल से संबंधित है? तो हॉकी लिख दें यहाँ पे, एग्जैक्टली बैगटन कप जो है इट इज रिलेटेड टू दी हॉकी स्पोर्ट्स करके याद रखिए, हॉकी से रिलेट करता है। अभिषेक बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज दी बोनल बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? तो बोनल बर्ड सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित है, और इस राज्य के CM के बारे में अभी हम बात भी कर चुके हैं, एक स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है यहाँ पे वामशी, बढ़िया, किसके द्वारा? बोनल बर्ड सेंचुरी जो है मैंने बोला अभी तक हम बात भी कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश की तो हमने बात ही नहीं करी है आज, ना गुजरात की ज्यादा बात करी है, तमिलनाडु कर्नाटका में कंफ्यूजन हो सकता है, बट द आंसर इज कर्नाटका। बोनल बर्ड सेंचुरी जो है वो आपकी कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है, ठीक है, कर्नाटका। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन टू द एक्शन? ये किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है?
आज दो लोगों का नाम मेंशन करना जरूरी है, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्योंकि पोखरान टेस्ट का दिन है यहाँ पे। अटल बिहारी वाजपेयी जी शायद नहीं होते तो शायद, मतलब अगर भारतीय इतिहास में नहीं होते, पॉलिटिक्स में नहीं होते, तो पोखरान का टेस्ट शायद पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं जा रही थी। और दूसरे आप याद रखिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब, तो कलाम साहब और अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। और एक आपको साइंटिस्ट यहाँ पे और नाम जरूरी है मेंशन करना, तो रमन्ना साहब याद रख लीजिए। इन तीनों की जोड़ी ने ना भारत में पोखरण टेस्ट करवा दिया, जिसने भारत का इतिहास न्यूक्लियर डील को लेके काफी चेंज कर दिया वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में, राइट? तो एपीजे अब्दुल कलाम, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इंटू द एक्शन। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हैज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बताइए विच इंडियन क्रिकेटर प्लेइंग विच इंडियन क्रिकेट क्रिकेट प्लेयर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द एसेक्स कंपनी। एसेक्स स्पोर्ट्स ब्रांड है जो कपड़े वगैरह यहाँ पे बनाती है, भारत के अंदर स्पोर्ट्स कपड़े बनाती है, और काफी ज्यादा इनको प्रमोट भी किया जाता है। ब्रांड एम्बेसडर ये नहीं बनाया गया था, उससे पहले भी एसेक्स के काफी ज्यादा कपड़े, स्पोर्ट्स कपड़े जो है वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं और काफी खरीदे जाते हैं। संतोष कुमार, बिल्कुल करेक्ट आंसर। रविंद्र जडेजा जी याद रख लीजिए, रविंद्र जडेजा जो है इनके द्वारा ये गेम, मतलब जो अवार्ड्स हैं ये, मतलब एसिक्स जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर ये अभी यहाँ पे बने हुए हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि एसिक्स जो है वो जापानीज है, ठीक है? तो कभी आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि रविंद्र जडेजा जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं एसिक्स के, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है ना, कौन सी कंट्री की कंपनी है, तो आप जापान करके याद रखिएगा, राइट? चलिए यहाँ पे संतोष कुमार, बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। तो अभी जरा आपका गला जो है ना वो थोड़ा सा खोल देते हैं, यहाँ पे चैटिंग खोल देते हैं। और आज के पोल में जो फर्स्ट रैंक है वो किसकी है, नन अदर देन योगेंद्र योगी। बहुत ही शानदार। देखिए अगर आप में से जो टॉप 10 रैंक में आते हैं सही तरीके से ये आंसर दे रहे होंगे, मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ, तो बहुत ही शानदार। योगेंद्र ऑन रैंक 1, ब्रजेश, रॉबिन, समीर दास, शशिकरण ऑन दी रैंक 5, अबीर मिश्रा, प्रशांत, गैरी, श्वेता मालविया। श्वेता जस्ट ट्राई अ लिटिल बिट हार्ड, यहाँ पे आपकी रैंक ना 2-3 दिन से काफी अच्छे से आ रही है ना, तो यू विल बी एबल टू एक्चुअली गेट दी गुड रैंक इन 1-5, 1 मतलब 5 करके, यहाँ पे मतलब 1-5 रैंक के अंदर ना आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है? आर्यन, बाकी लोग एक बार रिवाइज करें। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं ये मान के चलती हूँ यहाँ पे कि एक चीज ना मैं मान के चलती हूँ कि आप लोग ना, अच्छा ठीक है, डबल आई मैं देखो, अब मेरे सामने तो जो चीजें आएंगी मैं उनको मानूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कोई टेंशन, ये मेरा क्राइटेरिया नहीं है जानने का, ये चीज आप समझ लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ना ये रैंक तो फाइनल है नहीं आपकी। यहाँ चाहे आप कितनी ही बार जो है ना वो 1 रैंक लेके आ जाओ, लेकिन उस 1 रैंक या फाइनल रैंक लाने का मजा तभी है जब वो एग्जाम में आपके परसिस्टेंट हो। तो यहाँ की जो रैंक है ना उसमें आप लोग ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। पोल कराना इसलिए जरूरी होता है कि सारे बच्चों को एक क्लियर एंड लाउड आंसर पता रहे, है ना? तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा इस चीज को लेके, मतलब दिस इज लाइक यूजुअल थिंग। मतलब मेरा वाला होता तो चलता है, क्या ही दिक्कत है, अपने को तो एग्जाम में टॉप करना है ना, तो कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप अब बस आराम से क्लास करिए, आप टेस्ट करिए और हर टेस्ट को आप फॉलो करिए। यहाँ पे जो है ना वो सारे के सारे, ये कोई फाइनल रैंक तो है नहीं, आप एग्जाम में रैंक लेके आओ वो रैंक आपकी मानी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? और दूसरी चीज ये कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो टेस्ट है ना वो आप फॉलो करो सारे के सारे, ठीक है? अभी जब 10 क्वेश्चन 10 सेट हो जाएंगे तब अपन 500 क्वेश्चन जो है वो अपन यूट्यूब पे भी रिवाइज कर लेंगे, और मैं आपको भी वैसे भी रिवाइज करा दूंगी। मेन काम यह है कि जैसे ही ये टेस्ट आपका पीडीएफ अपडेट हो जाती है, उस पीडीएफ को जरा आप पढ़ लीजिएगा। अब अगली क्लास आपकी कल ही है ना, कल पढ़ेंगे यहाँ पे, तो कल की। अच्छा बताओ, अभी किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। एग्जैक्टली, आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है कि डेली आपको ये 50 क्वेश्चन समझ आने चाहिए और पीडीएफ से जाना चाहिए। रैंक क्या है दैट शुड नॉट बी दी मैटर। और मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो बच्चे की रैंक देख के ना उसकी इंटेलिजेंस जो है ना वो डिसाइड करते हैं। मैं इंटेलिजेंस ना उसकी ओबीडियंस से डिसाइड करती हूँ, वो बच्चा कितना रेगुलर है और कितना ओबीडियंट है, सिर्फ ये मेरे लिए ना ये दो चीजें मैटर करती हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अभी कोई डाउट है तो बता दीजिए। अभी कोई बोल रहा था कि सुनिए सुनिए करके, तो सुनाइए जल्दी से, फिर खत्म करते हैं क्लास को। कभी कभी रॉन्ग क्वेश्चन दे दीजिए। अच्छा, कभी कभी रॉन्ग क्वेश्चन दे दें तो आप ही लोग का गड़बड़ हो जाता है फिर। मैंने तो ये करके देख लिया है ना, रॉन्ग क्वेश्चन करके।
रेगुलर आना है और ओबीडियंट होना है, दैट्स इट. दीज टू थिंग्स कैन मेक यू क्लियर एनी एग्जाम. बुक्स एंड ऑथर्स की क्लास हो जाएगी. अभी तो देखो ऑलरेडी पांच पांच क्लासेस चल रहे हैं. किसी दिन सैटरडे संडे को बुक्स एंड ऑथर्स हुआ या स्पोर्ट्स हुआ ना, ये कंप्लीट कर रहे हैं. रॉन्ग पोल दे दीजिए शायद, या हाँ वो मैं समझ गई हूँ. रॉन्ग पोल दे के अच्छे से पता लग जाता है. लेकिन इस क्लास में ऐसा नहीं है. इस क्लास में एक चीज मैंने देखा है कि रॉन्ग पोल देने के बाद ना, जो बच्चे अच्छे से आंसर दे रहे थे ना, उनके आंसर्स गलत होने लग जाते हैं. दैट मीन्स चीजें सही है. टेलीग्राम ग्रुप जो है जिसमें ये पीडीएफ जाती है वो आप सबके पास है? कोई इशू तो नहीं है ना इसमें लेके? क्या है ये? नहीं, टेलीग्राम ग्रुप सबके पास है ना आप लोगों के पास? देख, एक भाई बोल रहे हैं कि चैट ऑफ कर लो. क्लास खत्म होने वाली है, चैट ऑफ अभी क्या कर लें? कुछ तो बच्चों को बोलने दो. इतना दिन से, इतना देर से उनका गला जो है ना वो बंद रहता है, तो लेट देम एक्चुअली स्पीक समथिंग. ऐसे नहीं लगता ये, ऐसे जब ये चैट ऑफ जो है ना हो जाती है तो गला किसी ने ना रोक दिया हो ऐसे. कोई बात नहीं, आपको देखिए, आप जो आप में से पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, आपको किसी का भी एक्सक्यूज देने का कोई भी जरूरत नहीं है. मुझे पता है जो बच्चा रेगुलर हो रहा है और जो मेरी क्लास में ओबीडियंटली डेली आ रहा है, वो अपने आप ही यहाँ पे इंटेलिजेंट बच्चा है. और वो तैयारी को लेके कितना ज्यादा सीरियस है वो मैं समझ पाती हूँ. तो नेट स्पीड है, ये है, वो है, दो फोन, ये एक्सक्यूज आप दो ही मत. कोई टेंशन देने की दिक्कत नहीं है. मैं जॉब पे कब से हूँ, ये डाउट है. अच्छा, मैं बता देती हूँ ना, मैं जून 29, 2019 से जॉब पे हूँ. मतलब फरवरी में रिजल्ट आके जून 29, 29 इसलिए याद है क्योंकि इस साल 29 जो है ना, इसको मेरा प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा. देखिए, डिकेड करके ना धोनी ही लिखना है और कैप्टन आएगा तो विराट लिखना है, ये है यहाँ पे. सुबह 6 से 7 वाली क्लास में, हाँ कल आज वाली क्लास में वन लाइनर नहीं गए थे विग्नेश. इसको मैं ना अलग से पूरे के पूरे वन लाइनर जो है वो ऐड करा दूंगी, ठीक है? अच्छा, मैं ऑप्शन भी बोला करूं, मैं क्वेश्चन भी बोला करूं, 15 सेकंड में मैं बिल्कुल वो शक्तिमान बन जाऊं. ऑप्शन खुद से देखो भाई, ऐसे क्या करते हो? चलिए ठीक है, अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच. लेट्स मीट टुमारो एट 6 सुबह की 6 से 7 की क्लास में. एंड देन आपका बाकी के क्लासेस सक्सेसिवली, 5 जो है वो क्लासेस हैं जो आपकी जो. हाँ जी शशिकरण, आपका विजिबल है मैसेज ब्लू टी शर्ट में, बिल्कुल. हाँ, ब्लू टी शर्ट के अलग ही यहाँ पे जलवे थे. चलिए ठीक है, सुबह 6 से 7, 9 बजे. नहीं, 9 बजे वाली क्लास सिर्फ आपकी सैटरडे हुआ करेगी, बाकी दिन नहीं. चलिए, अभी आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर.